Okay, so welcome you all once again in the class of BCE, Basic Computer Engineering. And now, today we'll start one new topic, that is inheritance, which is the very powerful and important topic of your object-oriented programming concept. So what is inheritance? Inheritance means inherits the property of parents, inherits the property of parents, that is called inheritance. But in programming language, we can say when any derived class inherits the property of their parents class, that is called inheritance. Samajhiye isko, when any derived class inherits the property of any base class, that is called inheritance. Yahan par likha hua hai, the mechanism of driving a new class from the base class is called inheritance. Means किस तरीके से हम अपने derived class को या एक class को derive करें ताकि वो हमारे base class की property को inherit कर सके. Inheritance मतलब जैसे genetic इसमें बात करते हैं human में कि जो चाइल्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है अपने आप. उसके अंदर कुछ उसके उसमें पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ दिस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट या इनहेरिटिंग कॉन्सेप्ट. सो सबसे पहले है reusability. ठीक है, अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस इनहेरिटेंस, दैट इज रीयूजबिलिटी. इनहेरिटेंस हेल्प्स द कोड टू बी रीयूज्ड इन मेनी सिचुएशन. कई सारे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर सपोज दैट हमारे पास कुछ पैतृक संपत्तियां हैं, या वैसे नेचर की बात करें, वैसे तो मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, घर बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर घर बना हुआ है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर हैं, ठीक है ना, अगर तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि कुछ कोड, कुछ चीज़ें अगर हम हमारे पेरेंट क्लास में डिफाइंड है और हमने एक डराइव्ड क्लास बनाई है, तो हमें फिर से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम उस फंक्शन को हम अपने बेस क्लास में नए डराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजबिलिटी. And another one is save time and effort. हम time और effort save कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो properties हैं वो हम automatic किसकी use करने वाले हैं, अपने parent class की or the base class की. जब हम base class की properties को use करने वाले हैं, उसके function को use करने वाले हैं, उसके data को use करने वाले हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसी मतलब फंक्शन को क्रिएट करने में या उसको कंपाइल करने में एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें. ठीक है, रिलायबल है. रिलायबल इसलिए है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो बेस क्लास है, बेस क्लास का मतलब ये कि अगर हमारे पास हम इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब उसमें हम और बढ़ा सकते हैं. हो सकता है कि बेस क्लास में जो चीज़ें हैं, जो फंक्शन है, तो बेस क्लास में तो है ही है, हम अपने डराइव्ड क्लास में कुछ और फीचर्स को बढ़ा दिए, तो वो फीचर्स भी हमें मिल गए और हमारे खुद के अपने फीचर्स मिल गए, तो हमारे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ गया. ठीक है,
ये कुछ इनहेरिटेंस के एडवांटेज हैं। पहला हो गया आपका रीयूजेबिलिटी, दूसरा हो गया सेव द टाइम एंड एफर्ट, एंड थर्ड इज रिलायबल। ओके, एंड नाउ हियर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। सो हियर द फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फाइव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। वन इज द सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरेटिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? सो यू जस्ट सी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस में, कि एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और उससे हमने एक ही चाइल्ड क्लास डराइव करी। मतलब पेरेंट क्लास को हमने क्या बोला, बेस क्लास। एक बेस क्लास से हमने एक ही क्लास डराइव करी, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। तो एक ही एग्जाम्पल में हम आपको इनहेरिटेंस भी बता देंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, और सिंगल इनहेरिटेंस भी उसमें हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। इसको दो पार्ट्स में हमने बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम। यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल कॉल करी। हेडर फाइल कॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए आप। बेस क्लास हमने एक बनाया, बेस क्लास, ये एक बेस क्लास है और इसको हमने बोला पेरेंट। तो बेस क्लास का जो नाम है उसको हमने बोल दिया भाई पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास में कुछ हमने डेटा डिफाइन कर दिया, दैट इज पब्लिक इंट IDP। ठीक है, कोई एक ID ले ली है हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक दूसरी बेस क्लास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बेस क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सब क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम इनहेरिटिंग फ्रॉम बेस क्लास। कोई एक सब क्लास बनाएंगे, वो सब क्लास जो है वो बेस क्लास से या अपने पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिटेंस इनहेरिट करेगी। तो सबसे पहले उसका सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स सबसे पहले यहाँ पर, अब जो आप क्लास बनाने वाले हैं, मतलब कि डेराइव्ड क्लास, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर डेराइव्ड क्लास लिखनी है। ये डेराइव्ड क्लास, और डेराइव्ड क्लास हमने क्या लिखा, डेराइव्ड क्लास का नाम दे दिया चाइल्ड। डेराइव्ड क्लास का क्या नाम दे दिया, चाइल्ड। और इसके बाद हम किससे ये क्लास को डिराइव कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। सो पब्लिक पब्लिक पेरेंट, पब्लिक पेरेंट। ठीक है ना, ये देखिए पेरेंट। अब पेरेंट किस टाइप के हो गए भाई, पब्लिक हो गए। किस टाइप के, पब्लिक। यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखा, ओ सॉरी क्या लिखा, ये एक्सेस स्पेसिफायर एंड पेरेंट। सो ये जो बेस क्लास है ये है पेरेंट, और इससे जो हमने डराइव करी क्लास वो है हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया पब्लिक IDC। अब एक IDP थी और एक IDC हो गई, तो दो ID हो गई यहाँ पर। अब ये दोनों ID हम एक्सेस कर सकते हैं। कौन एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो तो पेरेंट के पास है ही है, और ये जो चाइल्ड क्लास हमने डराइव करी है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें एडिशन हो जाएगी, एडिशनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन डिक्लेयर द पेरेंट क्लास एंड हाउ वी कैन जनरेट आर द बेस क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास, आर द डराइव्ड क्लास। हम एक क्लास कैसे डराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइव क्लास के लिए सबसे पहले हम ड्राइव क्लास और उसका नाम, और इसके बाद फिर उसका स्पेसिफायर पेरेंट क्लास का और पेरेंट क्लास का नाम, ये लिख दिया। अब ये देखिए ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन में अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने किस क्लास का, चाइल्ड ऑब्जेक्ट वन, चाइल्ड ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट वन मतलब हमने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ये चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों क्लास के फंक्शन को और डेटा को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है।
तो यहाँ पर उसने कॉल किया है क्लास पेरेंट्स। देखिए क्या किया है, द मेंबर फंक्शन एट मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट। क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट वन, एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी सी दैट इज 7 एंड ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी पी ये है 91। तो देखिए हमने चाइल्ड क्लास को भी कॉल कर लिया और पेरेंट क्लास को भी कॉल कर लिया, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर? यस सर। ना पीपीटी आपको ये वाली भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, और इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सो जाना, जगते रहना भाई मेरे साथ में, मैं भी तो जग रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल क्लास। सिंगल क्लास मतलब कि बेस क्लास और चाइल्ड क्लास, बेस क्लास एंड डेराइव्ड क्लास, बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास और बेस क्लास आर डेराइव्ड क्लास, ठीक है। तो किस तरीके से हम क्लास को डिराइव कर सकते हैं वो हमने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से कोई एक क्लास डिराइव की जा रही है। ये देखिए ये सारे क्लास ए क्लास बी क्लास सी ये सब पेरेंट क्लास है और इन पेरेंट क्लास से एक ही डेराइव क्लास डेराइव की जा रही है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स व्हेन एनी डेराइव्ड क्लास आर वी कैन से व्हेन द क्लास इज डेराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट क्लास, व्हेन अ सिंगल क्लास कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कई सारी हो सकती हैं लेकिन जो हमारी डेराइव्ड क्लास होगी वो एक ही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा पुरुष है, ठीक है, जो कई सारे लोगों के गुण रखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखिए किस टाइप से इसका सिंटेक्स क्या है। सो क्लास सब क्लास, एक सब क्लास हमने बनाया, इसके बाद ये डबल डॉट लगाना है, आपको कॉलन लगाना है, और इसके बाद फिर यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर बता दीजिए, एक्सेस मॉड और बेस क्लास वन, पहला बेस क्लास ए, ए यहाँ पर ले लेते हैं, बेस क्लास ए है, और इसके बाद फिर उसका एक्सेस मॉड बताएंगे और बेस क्लास टू या बी हम मान सकते हैं, बेस क्लास थ्री, बेस क्लास फोर, बेस क्लास फाइव। मतलब कि मल्टीपल हमारी बेस क्लास हो सकती हैं बट जो क्लास डिराइव हो रही है दैट इज सिंगल, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, सो वंस अगेन यू जस्ट लिसन केयरफुली, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन अ सिंगल क्लास कैन बी डिराइव्ड बाय अ मल्टीपल पेरेंट क्लास। भैया मल्टीपल पेरेंट क्लास, दिस इज अ सिंटेक्स, ये सिंटेक्स हो गया। क्लास का नेम रख दीजिए आप अपने बेस क्लास, बेस क्लास के बाद जितने भी आप डिराइव करना चाहते हैं पेरेंट क्लास, सॉरी जितने भी पेरेंट क्लास से इस क्लास को डिराइव करना चाहते हैं उनका उनका एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर देन क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर देन क्लास नेम, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, और ये बॉडी है उसके अंदर आप जो डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए हमने एक क्लास डिराइव करी, सिंगल एक क्लास हमने बनाया, दैट इज फर्स्ट बेस क्लास, दैट इज फर्स्ट बेस क्लास, उसका नाम रखा हमने व्हीकल, क्लास व्हीकल। अब इस इसके अंदर पब्लिक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है हमने, व्हीकल नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें लिखा हुआ है दिस इज अ व्हीकल, ठीक है, दिस इज अ व्हीकल, ठीक है। तो ये एक बेस क्लास हो गई। इसके बाद दूसरी बेस क्लास है, अब व्हीकल का क्लासिफिकेशन कर दिया हमने,
कि भाई फोर व्हीलर, व्हीकल में तो सारी आ सकते हैं, तो फोर व्हीलर हमने बना दिया, फोर व्हीलर का एक फंक्शन बना दिया कि यहाँ पर फोर व्हीलर है, ठीक है। तो दो हमने क्या बनाया, दो बेस क्लास, एक पहला बेस क्लास हमारी व्हीकल और दूसरी हमारी बेस क्लास है फोर व्हीलर, ठीक है। अब इन दोनों बेस क्लास से हमने एक क्या बना लिया, डराइव क्लास बनाया है, उस ड्राइव क्लास का नाम रखा हमने कार, और इसके बाद फिर ये ऑपरेटर हमने बोला था कि ये ऑपरेटर लगा दीजिएगा, और यहाँ पर हमने कॉल किया, पब्लिक कर दिया व्हीकल को, मतलब कि फर्स्ट बेस क्लास, और इसके बाद इसको भी हमने पब्लिक कर दिया, किसको, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर मीन्स सेकेंड बेस क्लास। ये दो बेस क्लास हो गई, इन दोनों बेस क्लास को हमने यहाँ पर क्या किया, इस डराइव क्लास को डराइव करने के लिए इन दोनों बेस क्लास को हमने यूज कर लिया, ठीक है। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ योर डराइव क्लास, ये फंक्शन है और ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। अब कार, सिंगल ऑब्जेक्ट, हम एक कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, और ये क्या कर सकता है, ये व्हीकल के डेटा को भी कॉल कर सकता है और आपके फोर व्हीलर की क्लास के डेटा को भी कॉल कर सकता है। तो होप आपको समझ में आया होगा, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, आ गया समझ में? यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल बेस क्लास डिराइव कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल बेस क्लास, मल्टीपल डिराइव कर सकते हैं क्लासेस, या मल्टीपल चाइल्ड क्लास डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल पेरेंट क्लास। तो यहां पर एक बेस क्लास है ए, और इस बेस क्लास से आपने क्या कर दिया, सॉरी मल्टी लेवल मतलब इससे इसको डिराइव किया और आप इससे इसको डिराइव कर सकते हैं, ऐसा है, सॉरी है ना, मैंने क्या लगता है, मतलब कि एक बेस क्लास ये हो गई और इस बेस क्लास से हमने एक बी क्लास को डिराइव किया और बी क्लास को एज अ बेस क्लास समझ के हमने एक दूसरी क्लास डिराइव कर ली सी, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया बात या नहीं आई? मतलब भैया, मतलब सी का, मतलब ए जो है वो सी के दादाजी हैं, है ना, और बी जो है वो उनके पापा जी हो गए, ठीक है, ये समझिए। मतलब कि ये एक बेस क्लास थी, इस बेस क्लास से हमने इसको डराइव किया, ठीक है, और फिर इससे हमने एक और क्लास डराइव कर ली, ठीक है, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जांपल नहीं बताएंगे आपको, पता है, मतलब बता देंगे, ऐसा नहीं है अभी नहीं। इसके बाद देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास से हमने दो क्लास डिराइव करी, इसके बाद हमने क्या किया, इन दो डिराइव क्लास से हमने एक क्लास और डिराइव कर ली, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले वाले में हमने क्या बताया, जहाँ पर ऐसा हो कि मल्टीपल क्लासेस डिराइव कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वो एक टाइप का इनहेरिटेंस हो गया, और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास से एक क्लास आप डिराइव कर रहे हैं तो वो एक तरीके का इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और उन दो चाइल्ड क्लास से फिर आपने एक क्लास और डिराइव कर ली, ठीक है। तो इस टाइप के जहां पर कॉन्सेप्ट आते हैं दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्लियर? यस सर, ओके। अब इसके बाद आता है हेरिटिकल इनहेरिटेंस, मतलब हेरिडिटी चली आ रही है, मतलब कि पहले देखिए हेरिडिटी मतलब क्या होता है,
पहले ये भाई दादाजी थे, फिर दादाजी के दो बच्चे हो गए, दादाजी के दो बच्चे हो गए, फिर इन दोनों के दो दो बच्चे हो गए, ठीक है, इन दोनों के दो दो बच्चे हो गए, फिर अगर आप चाहें तो इनके भी बना सकते हैं भाई, वंश तो आगे बढ़ते ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक डराइव क्लास थी, मतलब एक बेस क्लास थी, एक बेस क्लास थी, अब इस बेस क्लास से दो क्लास डराइव करी हमने, एक क्लास सी और एक क्लास बी, दो क्लास डराइव करी किससे, क्लास ए से। फिर क्लास ए से जो हमने दो क्लास डराइव करी थी, क्लास सी और क्लास बी, इन दोनों से भी हमने दो दो क्लास डराइव कर ली, एक सी से हमने दो क्लास डराइव करी, एक डी और एक ई, और इससे भी हमने क्लास डराइव करी एक एफ और एक जी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड मल्टी लेवल के बाद फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है।